ਤੇ ਗੰਡੋੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕੋੜੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਲੱਗੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਡੇ ਝੰਡਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਐਲਬਮ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਹਿਸ ਜਰਨੀ। ਕਭੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਚਿਲ, कभी कहे सपनों से मिल, कभी मैं स्ट्रॉन्गर कभी मैं वीक, कभी सोचूं कैसे करूं सब कुछ ठीक, बट आई डोंट गिव अप, आई एम अ फकिंग फ्रीक, मेरे शब्द भी ठीक, सोच भयानक है, लिख दूं कलम से तो आती कयामत है, छोटे शहर का ये लड़का इंजीनियर और जॉब है करता, 8 से 5 की नौकरी, हाँ सैलरी तेरी है कितनी क्या। वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रैप बॉथ रिकॉर्ड्स एंड को, मेरा नाम वरुण कुमार है, मैं एक रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ। आप इस चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि मैं इस तरह के कॉन्टेंट अपने चैनल पर रेगुलर डालता रहता हूँ। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं करण औजला के गाने पे, गाना नहीं है इंट्रो आ चुका है, बैक द फक अप जो इनका एल्बम आने वाला है उसका इंट्रो आ चुका है। सो सबसे पहले आई एम बिग फैन ऑफ सिद्धू मूसेवाला, मुझे उनके गाने बहुत पसंद है और मैंने करण औजला के गाने भी चेक किए हैं और मुझे करण औजला की म्यूजिक भी बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे टेस्ट है, यहाँ पे बात है म्यूजिक की, और हम बात म्यूजिक की करें तो मुझे दोनों आर्टिस्ट की म्यूजिक पसंद है। आई डोंट वॉन्ट टू स्प्रेड हेट, तो जो भी सिद्धू मूसेवाला के फैंस इस वीडियो को देख रहे हैं ना, जस्ट इंजॉय इट, अगर तुम देखना चाहते हो नहीं तो तुम स्किप करके जा सकते हो, इट्स योर चॉइस। और अगर कोई भी आर्टिस्ट है वो अच्छा, मैं आर्टिस्ट को एक चीज से ही जज करता हूँ कि उसका म्यूजिक कैसा है। अगर वो अच्छे गाने बनाता है मैं उसके गाने सुनता हूँ, अगर अच्छे गाने नहीं बनाता मैं उसके गाने नहीं सुनता हूँ। मैंने करण औजला के गाने सुने, मुझे गाने पसंद आए, तो मैं करण औजला के रिएक्शन लेके करण औजला का रिएक्शन लेके आ गया अपने चैनल पे। दैट्स ऑल, थैंक्स अ लॉट, ज्यादा बकवास नहीं करते, स्ट्रेट जंप इनटू द रिएक्शन, फाइंड आउट कैसा है ये इंट्रो। आई थिंक कुछ मे बी वर्स हो सकता है या फिर स्किट है, आई डोंट नो, लेट्स सी एंड फाइंड आउट, लेट्स गो। और उससे पहले अगर तुम करण औजला के फैन हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो मैं अभी इस एल्बम के जितने गाने आएंगे फ्यूचर में हर गाने के रिएक्शन अपने चैनल पे लेके आऊंगा, तो मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। की दसा मैं अपने बारे, जिंदगी ने की सिखाया। ओके, सो ये है उनके बचपन की आई थिंक फुटेज है। सो मे बी दिस एल्बम इज अबाउट हिज म्यूजिक जर्नी, ये हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इसकी इनके बचपन से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने एक चीज नोटिस किया यहाँ पे कि प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, लाइक वीडियो प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, और भाई का कैमरा प्रेजेंस भी बहुत अच्छा है, भाई बहुत स्मार्ट दिखते हैं तो कैमरे में वो बहुत अच्छे दिखते हैं, और टैटू वैटू करा रखा है भाई ने, तो पूरा स्वैग है भाई का। सो थोड़ा वापस चलते हैं, चलो लेट्स सी वंस अगेन। सिखाया ते की दिखाया, तीन कमरे एक रसोई, बेबे दा ओही सूट ते बापू दी ओही लोई, अज भी ओदी बुक्कल वर्गा निग दंदी है ताही हिक नाल लाके रख, ते दस्या सी ओने भी बाली थां ना लाई ताही एक नाल लाके रखदा, ते आ जिंदगी दा मैनू पता सी भी रब तो उधारी है, ते छोटे हुंदे पंडित कह गया सी भी शनि मुंडे ते भारी है, गलेला ते गंडोलियां तों कन्ना ते कोड़ियां तक दा सफर, लगे कंडियां तो कटे झंडियां तक दा सफर। सो दिस एल्बम इज अबाउट हिज जर्नी, बचपन से अब तक हाउ ही मींस हाउ हिज म्यूजिक जर्नी स्टार्टेड, और लाइक हाउ एस इन्होंने बोला ना गुलेल से लेके गन की गोली तक, तो हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस, एवरीथिंग ब्रो, लाइक अब मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ एंड आई कांट वेट फॉर द एल्बम, एंड दिस इज नॉट अ सॉन्ग, आई थिंक दिस इज जस्ट अ स्किट, और गाने आएंगे भाई, तुम लोग कमेंट करके बताओ इफ यू आर एक्साइटेड, कमेंट करके बताओ, मैं तो एक्साइटेड हो रहा हूँ ब्रो, एंड दिस लुक्स गुड, लेट्स गो। कुलियां पहला तो ते हुण महिला तक दा सफर, नाले टैमा माड़िया तो अखाड़िया तक दा सफर, सफर चल रहा है ते सफर जारी रहूगा, सफर जारी। आखरी गल जिहड़े कहिंदे जवाक आ इहदे दिमाग नहीं कमले हो, इहदा उही गल करती भी ओ सुरा जिहदा कोई राग नहीं। So, पंजाबी ब्लेंडिंग विद हिप हॉप, लेट्स गो ब्रो, लेट्स गो, मतलब
इंडियन हिप हॉप सीन है ना, जो पंजाबी के हिप हॉप आर्टिस्ट होते हैं वो हमेशा अपनी म्यूजिक में, हिप हॉप म्यूजिक में पंजाबी को ब्लेंड करते हैं। मैंने सिद्धू मूसेवाला को भी देखा है और इसमें भी आई कैन फील वो पंजाबी टच मुझे फील हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड। मतलब हमारा एक अलग हिप हॉप, इंडिया का जो कल्चर है ना वो हिप हॉप में हमें दिख रहा है। सो दिस इज़ वेरी गुड, मज़ा आ गया। और जो वहाँ के पाकिस्तान बोल रहा हूँ सॉरी पंजाब के जो आर्टिस्ट कर रहे हैं ना, तो मुझे बहुत वो फील होता है, मतलब कि मेरे पास ऐसा सेटअप क्यों नहीं, फ्यूचर में होगा। लेट्स गो बैक द फक अप ब्रो। Promising है and I'm waiting for the album. और कौन कौन album के लिए वेट कर रहा है कमेंट करके बताओ। And talking about the intro बहुत अच्छा लगा, story थी, brown मुंडे आ गया, okay, story थी। और like जितना मुझे पता चला कि इसमें journey बताई गई है करण औजला की बचपन से लेके अब तक की, so I'm waiting for the album, और क्या ही बोलूँ मैं। This was the reaction. अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, करण औजला के फैन हो, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं बहुत सारे कंटेंट लेके आऊंगा, एल्बम के रिएक्शन हर दिन सबसे पहले मेरे चैनल पे मिलेंगे। सब्सक्राइब द चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक्स अगेन। कैसा नशा तेरी जादू में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।